नमस्कार दोस्तों, मेहंदी गुरु अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में आप देख रहे हैं, आपके सामने एक प्रैक्टिस सेट है जो आपके हाल में होने वाली जो UPSSSC की परीक्षाएं हैं उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप अभी से तैयारी करके रखिए क्योंकि जून आते ही आपकी परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। और दोस्तों, ये जितने भी क्वेश्चन है सबके सामने इसके ऑप्शन लिखे हुए हैं, 3 सेकंड आपको दिया जाएगा, 3 सेकंड बाद में इसके आपको आंसर को आपको शो कर दूंगा। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से कौन सा सही नहीं है। तो ऑप्शन आपके सामने है, 3 सेकंड का मैं आपको समय दे रहा हूं। तो चलिए दोस्तों, आप इसको आंसर देख लेते हैं। आंसर आपके सामने क्या हो जाएगा, ये जो बी वाला है ये आपके लिए ऑप्शन सही है। पूछ कह रहा है कि व्यंजनों का उच्चारण बिना स्वर के हो सकता है, ये कथन बिल्कुल भी गलत है। आपको पता है कि किसी भी व्यंजन का उच्चारण स्वर के बिना नहीं हो सकता। अब दोस्तों, आपको जरूरी है कि मेरी वीडियो में आप कॉपी लेकर के जरूर बैठे ताकि हम बहुत सारे एक्स्ट्रा फैक्ट जो अदर से बताते हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, उनको भी आप जरूर नोट करें। तो देखिये दोस्तों, सबसे पहले लिखा हुआ है ता और था दंत व्यंजन है। तो दोस्तों, आपको मैं एक चीज जरूर बता दूं कि जितने भी जो है ता वर्ग के हैं, यानी ता थ द ध न, सभी आपके दंत व्यंजन होते हैं। अगर या व अर्ध स्वर की बात की जाए तो इसके अलावा अगर या र ल व की बात की जाए तो वो आपके क्या कहलाते हैं, अंतस्थो कहलाते हैं। और यहाँ पे स स और शा, इसके आगे हा ल जोड़ लीजिए तो ये आपके उष्म व्यंजन होते हैं। तो इतनी जानकारी इस क्वेश्चन से थी, सभी मैंने आपको दी। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। अब आगे देखिए, आपके सामने 4 ऑप्शन है, इस ऑप्शन को आप पढ़िएगा। तो चलिए दोस्तों, आंसर आपको बता देते हैं। यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा सी। ये कह रहा है कि योग ऋण शब्द अविकारी होते हैं। तो दोस्तों, योग जो आपके ऋण शब्द हैं ये अविकारी नहीं होते हैं। अगर योग ऋण की दोस्तों यहाँ पे बात की जाए होते क्या है, तो वे शब्द जो यौगिक तो हैं किंतु सामान्य अर्थ को न प्रकट करते हुए किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। कहने का मतलब कि जैसे अगर आप कह लीजिए पंकज, तो पंकज क्या है, पंकज एक शब्द है जो कि आपका योग ऋण है और ये अपना अर्थ न प्रकट करके पंकज यानी कीचड़ में उत्पन्न होने वाला जिसको हम लोग कमल कहते हैं उसको जो है शो करता है। तो यहाँ पर वो क्या हुआ, योग ऋण हुआ। इसी प्रकार आप और भी कह सकते हैं दशानंद, यानी दस आनंद वाला, इसको भी आप जानते हैं कि ये अपना खुद का ना अर्थ छोड़ करके दूसरा अर्थ प्रकट करता है। तो ये तो हो गई आपकी जो है योग ऋण की बात। अब अगर आप बात करते हैं, ये लिखा हुआ है ऋण शब्दों की कोई व्युत्पत्ति नहीं होती है। तो दोस्तों, ऋण शब्द आपके होते क्या है, जो शब्द किसी अन्य शब्द के योग से ना बने हो और किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हो, यानी किसी जो है क्या कह रहा है कि खुद का अपना एक अर्थ प्रकट कर रहा हो, वो आपके क्या होता है, वो आपका ऋण शब्द होता है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर बात की जा रही है कि तद्भव शब्द तत्सम से विकृत रूप है, तो ये जो है असत्य पूछ रहा है। तो यहाँ पर क्या है, तद्भव जो है तत्सम से ही, तत्सम शब्दों में थोड़ा सा जो है रूप परिवर्तन करके ही जो हिंदी में लिया गया है वो आपका तद्भव शब्द होता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है आपके लिए। नेक्स्ट है कि भाव दशा धर्म गुण या कार्य का बोध कराने वाली संज्ञा कौन सी संज्ञा कहलाती है। तो चलिए दोस्तों, आंसर बताते हैं, ये आपकी भाववाचक संज्ञा कहलाती है। भाव दशा धर्म गुण या कार्य का बोध कराने वाली जो संज्ञा होती है वो आपकी भाववाचक संज्ञा होती है। दोस्तों, यहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एक जो पूछा जाता है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण आपसे पूछ ले जाते हैं, इसलिए आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। देखिए, नेक्स्ट ही क्वेश्चन में है, आइए हम उसके बारे में यहीं पे बात करते हैं। देखिए, पूछा है कि परिवार किस संज्ञा का उदाहरण है। तो चलिए दोस्तों, आंसर यहाँ देखिए, आंसर आपके लिए हो जाएगा, परिवार आपका समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो समूहवाचक संज्ञा क्या होता है, जो किसी एक समूह को यानी समुदाय को शो करता है वो समूहवाचक संज्ञा होता है। जो शब्द किसी एक समूह को शो करे वो समूहवाचक संज्ञा होता है। इसके उदाहरण को आप जरूर जाने, जैसे देखिए भीड़ होता है, मेला, सभा, कक्षा, या अभी देखिए परिवार की बात की गई, या पुस्तकालय, या किसी चीज का झुंड हो, या सेना हो। इसके अलावा दोस्तों, अगर क्रिकेट टीम की बात कर ली जाए, कबड्डी टीम की बात कर ली जाए, किसी भी टीम की बात कर ली जाए, तो वो भी आपका समूहवाचक संज्ञा है। अगर एक कहा जाए कि एक दर्जन केला, तो वो क्या है, दर्जन मतलब 12 केलों का समूह है, तो इसको भी याद करिएगा। अंगूर का गुच्छा, फल का गुलदस्ता, फूलों का गुलदस्ता, ये सभी आपका क्या है, ये सभी आपका समूहवाचक है। तो ये ऐसे ही आपसे पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। ठीक है, तो ऐसे याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सार्वनामिक विशेषण का भेद है। तो आंसर देखिए दोस्तों, आंसर आपके लिए ए और बी दोनों हो जाएगा, यौगिक सार्वनामिक विशेषण
और मौलिक सार्वनामिक विशेषण दोनों। दोस्तों ये होता क्या है, अगर हम लोग यौगिक सार्वनामिक विशेषण की बात करें तो जो मूल सर्वनाम में प्रत्यय लगाने से बनते हैं, यानी मूल सर्वनाम जो भी आपका होगा उसमें अगर प्रत्यय लगा दिया जाए तो जो बनेगा वो आपका क्या हो जाएगा, यौगिक हो जाएगा। अगर मौलिक सार्वनामिक विशेषण की बात की जाए तो जो बिना रूपांतरण के संज्ञा से पहले आता है, यानी बिना रूपांतरण यानी संज्ञा के रूपांतरण से पहले, यानी अगर बात कर ली जाए यह वह, तो ये सभी क्या है आपका सार्वनामिक विशेषण में आपका यौगिक सार्वनामिक मौलिक सार्वनामिक विशेषण है। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। उमा नौकर से दूध मंगवाती है वाक्य में कौन सी क्रिया है। तो चलिए दोस्तों आंसर देखते हैं, यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पे आपका प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। देखिए दोस्तों यहां पे मंगवाने का कार्य कर रहा है, यानी उमा खुद से ये काम नहीं कर रही है, वो किसी को प्रेरणा दे रही है, किसी को प्रोत्साहित कर रही है कि वो ये काम कर दे उसका। तो जो भी ऐसी क्रियाएं होती हैं वो आपकी प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे अगर हम कहते हैं कि रमेश अपनी माँ से खाना बनवाता है, तो खाना बनवाने की क्रिया कौन कर रहा है, उनकी माँ बना रही है लेकिन रमेश करवा रहा है, इसलिए वहां पर भी क्या हो जाएगा आपका प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। लेकिन अगर यहाँ पे सकर्म क्रिया की बात करें तो ऐसी क्रिया जो कर्म के साथ आती है वो सकर्मक होती है, और जो बिना कर्म की होती है वो आपकी आकर्मक होती है। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि पुरुषोत्तम में कौन सी संधि है। तो चलिए दोस्तों आंसर आपको बता देते हैं, पुरुषोत्तम में आपकी कौन सी संधि हो जाएगी, पुरुषोत्तम में आपकी हो जाएगी गुण संधि। देखिए दोस्तों अगर यदि इसका संधि विच्छेद किया जाए तो क्या बनेगा, पुरुष प्लस उत्तम, पुरुष प्लस उत्तम से मिलकर के बना हुआ है आपका पुरुषोत्तम। तो इसमें आप जो ध्यान दीजिएगा कि जो है कैसे ये संधि विच्छेद किया जा रहा है, संधि विच्छेद भी आपको ध्यान देना जरूरी है, उसी से आपको पता चलता है कि इसमें कौन सी संधि होगी। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है, पुल्लिंग शब्द की बात की जा रही है। तो चलिए दोस्तों आंसर बताते हैं, आपका जो ये बचपन है ये आपका क्या है, पुल्लिंग है, बाकी शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है। अच्छा दोस्तों कैसे पहचाना जा सकता है कि कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो क्या किया करिए, जो भी आपको जो है शब्द दिया है उसका वाक्य में प्रयोग करके देखें, उससे आपको पता चल जाएगा कि जो है ये पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग। चलिए आगे बात करते हैं, देखिए चट्टान शब्द किस लिंग से संबंधित है। दोस्तों इजी क्वेश्चन है ये आपका, क्या हो जाएगा, चट्टान शब्द आपका स्त्रीलिंग से संबंधित है। देखिए वाक्य में प्रयोग करके देखिए इसको, जैसे देखिए चट्टान बहुत ऊंची है, कहीं ये नहीं होता है कि चट्टान बहुत ऊंचा है, ठीक है ना, तो इसीलिए यहां से पता चल रहा है कि आपका स्त्रीलिंग है। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है कि लब्ध प्रतिष्ठित में समास बताइए। चलिए दोस्तों जल्दी से आप लोग जो है बताइए यहाँ का क्या होना चाहिए। तो लब्ध प्रतिष्ठित में अगर देखा जाए तो कौन सा समास हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा बहुव्रीहि समास। कौन सा समास आ जाएगा आपका, बहुव्रीहि समास। तो दोस्तों ये होता क्या है बहुव्रीहि समास, तो इस समास में कोई भी शब्द प्रधान नहीं होता है और दोनों मिलकर के, यानी लब्ध और प्रतिष्ठित दोनों मिलकर के एक अलग अर्थ में अलग अर्थ को शो करते हैं। लब्ध प्रतिष्ठित मतलब क्या हो जाएगा, सम्मानित, यानी जो कोई सम्मानित हो वो होता है आपका लब्ध प्रतिष्ठित। इसी प्रकार से अगर द्विगु की बात की जाए तो द्विगु क्या होता है दोस्तों, जिसमें कि जो पहला पद होता है वो एक संख्यावाचक होता है, ठीक है ना। इसी प्रकार द्वंद्व समास क्या होता है, जो दोनों पद आपके होते हैं उसमें आपस में क्या होता है, अपोजिशन होता है। और अव्ययी भाव की बात की जाए तो पहला जो आपका पद होता है वो एक अव्यय को प्रदर्शित करता है। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है देवता शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, या नहीं की बात की जा रही है। तो चलिए दोस्तों आंसर देखिए, यहाँ पे सुधाकर आपका क्या हो जाएगा, देवता का जो है पर्यायवाची नहीं होगा। सुधाकर दोस्तों होता किसका है, तो अगर सुधाकर बात की जाए तो सुधाकर आपकी चंद्रमा का पर्यायवाची होता है, ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। चलिए आकर्षण किस शब्द का विलोम है, ये आपको बताना है, आकर्षण किस शब्द का विलोम है। तो चलिए दोस्तों आकर्षण जो है, आकर्षण का चाहे विलोम पूछ लिया जाए या ये पूछ लिया जाए कि आकर्षण किस शब्द का विलोम है, तो आपका आंसर आ जाएगा विकर्षण। आकर्षण मतलब क्या होता है, किसी को अपनी तरफ खींचना, और विकर्षण मतलब क्या होता है, ढकेलना यानी दूर करना। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो कठिनाई से मिलता है के लिए एक शब्द क्या होगा। तो चलिए दोस्तों आंसर देखिए, जो कठिनाई से मिलता है उसके लिए एक शब्द आपके लिए हो जाएगा दुर्लभ, जो कठिनाई से मिले वो दुर्लभ। अच्छा अगर दोस्तों यहाँ बाकी की बात की जाए, देखिए जो आसानी से मिल जाए वो क्या हो जाएगा आपका सुलभ हो जाएगा, यानी जो
आसानी से आपको प्राप्त हो जाए। इसके अलावा अगर देखिए दोस्तों यहाँ बात कर रहा है कि दुर्गम, तो दुर्गम क्या हो जाएगा, दुर्गम मतलब हो जाएगा कि जहाँ आपका पहुंचना कठिन हो, जहाँ कठिनता से आप पहुंच सके वहां दुर्गम। ऐसा नहीं है कि पहुंच नहीं पाएंगे, पहुंचेंगे लेकिन कठिनता से पहुंचेंगे। और अगर यहाँ पे बात कर ली जाए जो है आगे अगम की, तो ऐसा स्थान जहाँ पे आप पहुंच ही ना पाए, ऐसा भी स्थान होगा जहाँ पहुंच ना पाए वहां पे अगम हो जाएगा, और जहाँ कठिनाई से पहुंचा जाए वहां दुर्गम हो जाएगा। दोस्तों ये सेशन आपको कैसा लग रहा है आप जरूर बताइएगा, मेरे हिसाब से आपको पसंद जरूर आ रहा होगा। अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर लीजिएगा और मेरे साथ बने रहिएगा ताकि मैं आपको पूरे अच्छे से एकदम तैयारी करा पाऊँ आपके UPSSSC के एग्जाम्स की। चलिए आगे बात करते हैं, तो ये जो है आपके शा का उच्चारण स्थान क्या है, जो आपका शा वर्ण है इसका उच्चारण स्थान पूछा जा रहा है। तो चलिए दोस्तों आंसर बता देते हैं, आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा तालु। तालु क्या होगा दोस्तों, जो शा का उच्चारण स्थान है ये आपका तालव्य होगा। लेकिन अगर और थोड़ा सा डीप में पूछा जाए तो कठोर तालव्य से ये शा का उच्चारण किया जाता है। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संज्ञा के अंत में लगने वाला प्रत्यय कौन सा प्रत्यय कहलाता है। चलिए दोस्तों जल्दी से इसके आंसर को आप बताइए क्या होगा। तो चलिए दोस्तों आंसर बताते हैं, वो होगा आपका तदित प्रत्यय। संज्ञा के अंत में लगने वाला जो प्रत्यय होता है वो तदित प्रत्यय होता है। देखिए दोस्तों प्रत्यय के दो भेद होते हैं, एक आपका कृत प्रत्यय होता है, एक तदित प्रत्यय होता है। तो अगर कृत प्रत्यय की बात की जाए तो जो क्रिया अथवा धातु के बाद जो प्रत्यय लगाए जाते हैं वो आपके कृत प्रत्यय कहलाते हैं। किसके आगे लगाए जाए, क्रिया अथवा धातु के बाद। अगर तदित प्रत्यय की बात की जाए तो संज्ञा सर्वनाम तथा विशेषण के अंत में जो प्रत्यय लगाए जाते हैं वो आपके तदित होते हैं। मेरे हिसाब से ये आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, उन्नति के प्रयत्न करने पर औन्नति का भाव स्पष्ट करने वाली कहावत, यानी इसके जो है उन्नति के प्रयत्न करने पर औन्नति का भाव स्पष्ट करने वाली कौन सी कहावत है जो इस अर्थ को शो करेगी। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, चौबे गए छब्बे बनने, दूबे बनकर के लौटे, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, लिंग वचन पुरुष तथा काल के अनुसार वाक्य के विभिन्न पदों का एक दूसरे से संबंध क्या कहलाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका, ये अन्वय कहलाता है। देखिए दोस्तों ये अन्वय होता क्या है, अन्वय मतलब होता ही है कि शब्दों का तर्कपूर्ण क्रम, जो शब्दों का तर्कपूर्ण क्रम है, जो एक आपको एक किसी के बारे में पूरा जो है सकारात्मक कह सकते हैं, सकारात्मक दृष्टि से जो चीज आपका बताता है वो आपका होता है अन्वय। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। और इसी प्रकार से एक चीज होता है पदबंध, उसके बारे में भी आगे आपको बताया जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है, मतलब कि किसका कौन सी वर्तनी ऐसी है जो शुद्ध में लिखी हुई है। तो चलिए दोस्तों आंसर आपको दिखा देते हैं क्या हो जाएगा, शुद्ध में यहाँ पे आपका क्या लिखा हुआ है। तो शुद्ध में आपका यहाँ पर ये जो सांसारिक ई वाला है, सी वाला सांसारिक, ये आपका शुद्ध में लिखा हुआ है। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि जहां कारण के बिना अथवा कारण के विपरीत कार्य होता है वहां पे कौन सा अलंकार होता है। तो यहाँ दोस्तों आपका क्या आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका विभावना अलंकार। यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा, विभावना अलंकार। आगे बात करते हैं दोस्तों, विरोधाभास अलंकार यहाँ पे लिखा हुआ है, ये क्या होता है दोस्तों। तो विरोधाभास होता है कि ऐसा अलंकार जहां पर विरोध ना होते हुए भी विरोध प्रकट किया जाता है, यानी विरोध आपका जो है होता नहीं है लेकिन तब भी वहां पे विरोध प्रकट करते हैं, तो वहां पे आपका विरोधाभास अलंकार हो जाता है। वक्रोति, वक्रोति की बात की जाए तो दोस्तों क्या होता है कि जहां पे जो आपका जो है, जैसे मान लीजिए कि जो बात का मेन आशय होता है वो जो सुनने वाला है वो उसका दूसरा ही अर्थ लगा लेता है, यानी हमने कहा कुछ और उसको समझ में आया कुछ और। तो ये चीज जो है कहा किस अलंकार में होगा, ये वक्रोति अलंकार में हो जाएगा। और अगर यमक की बात की जाए तो ये तो बहुत सिंपल है, जहां पे कोई शब्द एक से अधिक बार आता है और प्रत्येक स्थान पर उसका अर्थ भिन्न भिन्न होता है, वहां पर आपका यमक अलंकार हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है ये, निम्न में कौन सा औपन्यासिक कृति जैनेन्द्र की है, यानी जैनेन्द्र की कौन सी औपन्यासिक कृति यहाँ पर आपके सामने है।
तो चलिए दोस्तों आंसर देख लीजिए, आंसर क्या हो जाएगा आपका, त्याग पत्र। ये आपकी जैनेन्द्र की है और क्या है, औपन्यासिक कृति है। इसके अलावा दोस्तों अगर मृग नयनी बात की जाए तो मृग नयनी किसकी है, वृंदावन लाल वर्मा जी की है। अगर झूठ सच की बात की जाए तो झूठ सच किसकी हो जाएगी, यशपाल जी की। और एक और जो है इसमें आपका खंजन नयन, तो खंजन नयन की बात की जाए तो ये किसकी है, खंजन नयन आपकी है अमृत लाल नागर की। तो दोस्तों ये थे आपके 20 क्वेश्चन जो आपके प्रैक्टिस के लिए आपको दिए गए थे। आप जरूर मुझको बताइएगा कि ये कैसे लगे, जितने एक्स्ट्रा फैक्ट मैंने बताए उनको आप लोग नोट जरूर करिएगा, क्योंकि इन्हीं सबसे क्वेश्चंस बनते हैं और आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप मेरे साथ बने रहिए इसी प्रकार से प्रैक्टिस सेट पाने के लिए। जल्दी मैं आपके लिए UPSSSC से संबंधित GK के प्रैक्टिस सेट को अपलोड कर दूंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।